बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं एल्गल पिगमेंट्स के बारे में या वर्णक के बारे में। जो एल्गल क्लासेस होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार के कलर पाया जाता है, और ये जो कलर होता है, विशेष प्रकार के कलर्स होते हैं, ये उनमें पाए जाने वाले वर्णकों की वजह से होते हैं या पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, इनको प्लास्टिड्स कहते हैं। ये सभी क्लासेस में पाए जाते हैं, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, और ब्लू ग्रीन एल्गी में उनके साइटोप्लाज्म में पेरिफेरी में क्रोमोप्लाज्म पाए जाते हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसमें उसके वर्णक पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर उनमें कलर्स नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, तो उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और अगर उनमें कलर होता है तो उसमें उनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट के अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों हो तो उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और अगर ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल बी हो तो उनको क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। इसके बाद इन जो प्लास्टिड्स हैं इनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है, जैसे ये शेप इनकी कपनुमा हो सकती है, बिंबाब या डिस्क नुमा हो सकती है, गर्डल नुमा हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, और ताराकार हो सकती है। अलग अलग मेंबर्स में प्लास्टिड्स की अलग अलग शेप पाई जा सकती है। जैसे आप लोगों ने स्पायरोगायरा पढ़ा हुआ है तो स्पायरोगायरा में ये स्पर्लिन स्पाइरल प्रकार का होता है, और अगर क्लोरोप्लास्ट भी आपने सॉरी क्लमाइडोमोनस पढ़ा है तो क्लमाइडोमोनस में ये कप नुमा प्लास्टिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो होगी उनकी शेप के बारे में। इसके बाद जो शैवाल की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जो वर्णक पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। इनमें से जो क्लोरोफिल है ये मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो सभी शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है, जो क्लोरोफिल बी है वो सिर्फ क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है, क्लोरोफिल सी ये मुख्य रूप से समुद्री शैवालों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल डी केवल कुछ ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स करीब 20 के करीब ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये अभी तक पहचाने जा चुके हैं। ज़ैंथोफाइसी जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर्स में ये पाए जाते हैं, और इसकी वजह से येलो ब्राउन कलर ये एल्गी को देते हैं। जो मुख्य रूप से जो ज़ैंथोफिल्स हैं उनमें फ्यूकोज़ैंथिन जो है वो डायटम्स का प्रमुख वर्णक है, इसी तरह से मिक्सोज़ैंथोफिल और मिक्सोज़ैंथिन ये नील हरित शैवालों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कैरोटीन्स। कैरोटीन्स जो है ये इसमें जो ये मुख्य रूप से जो बीटा कैरोटीन है ये मुख्य रूप से सभी एल्गी के मेंबर्स में पाया जाता है, और ये कैरोटीन्स भी मुख्य रूप से पांच प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फिर सी कैरोटीन, ई कैरोटीन और फ्लेवसीन। इसके बाद आते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो है ये प्रोटीन और बाइल पिगमेंट से बने होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, और ये जो लाल या नीला जो ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर है उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फाइकोबिलिन्स जो है जो रेड कलर के फाइकोबिलिन्स होते हैं उनको फाइको एरिथ्रिन कहते हैं, जो कि रोडोफाइसी में मेंबर्स में लाल रंग प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी में जो साइनोफाइसी या जिसको साइनोफाइसी हम लोग कहते हैं उसके अंदर फाइकोसाइनिन जो है फाइकोबिलिन पाया जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको पाइरेनॉइड के बारे में बताऊंगी। जो ये पाइरेनॉइड्स होते हैं ये जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर एक धसी हुई या उनकी सतह पर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च और जो भोजन है उसका संचय होता है, और इनके ऊपर कई बार स्टार्च प्लेट्स भी पाई जाती हैं। और ये पाइरेनॉइड्स जो हैं इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, पर ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर
बहुत अधिक मात्रा में रिबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट कार्बोजाइलेज या ऑक्सीजनेज एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने एल्गल पिगमेंट्स, इनके टाइप्स, इनकी शेप्स और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गी के जो रिप्रोडक्शन है या जनन के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।